तो ही व्हाट्सअप का सुपर बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये सीजन 27 का एपिसोड नंबर 4 होने वाला है और गाइस हम लोग रोड टू गया है ग्रैंड मास्टर तक, मतलब हमारा एम है ग्रैंड मास्टर हम पहुंचे, क्योंकि देखो अकेले एक बंदे का ग्रैंड मास्टर पहुंचना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो गाइस जब तक ये ग्लिच यूजर बंद नहीं है तब तक हम लोग रीजन में कभी भी नहीं देख पाएंगे, मतलब हम लोग नहीं जा पाएंगे यार। तो गाइस आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो गाइस प्लीज हम लोग ग्रैंड मास्टर जोर से जोर पहुंचेंगे। गाइस अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। और गाइस हमारा अगर 1000 स्कोर और हो जाए तो हम लोग ग्रैंड मास्टर पहुंचेंगे। हम लोग डुओ खेल रहे थे और डुओ में डॉग की तरफ उतर रहे थे और हमारे साथ था और एक भी स्क्वाड आ रहा था, तो मैंने सोचा कि हवा में मार दूंगा, लेकिन यार हवा पूरा नहीं हुआ। और गाइस यहाँ पर देखो मोको कितना काम दिया। और गाइस गरीना कब ये पिंग मतलब ठीक करेगा या चूतिया बंदे कब ठीक करेगा गाड़ियाँ मुझे पता नहीं भाई, ये क्या सस्ता नशा करता है, लेकिन ये पिंग नहीं ठीक करना, इतना हाई मतलब इतना पैसा कमा रहा है लेकिन ये पिंग ठीक करने का नाम ही नहीं लगा। और लैग का भाई तो पता नहीं देखो, और बंदे को इतना मारा फिर भी जाके अभी जाके मारा नहीं तो कब का मुझे मार देता भाई। इसको खत्म करने के साथ साथ उसका जो और एक टीममेट था वो उधर भाग गया, तो मेरा टीममेट भी उसके पीछे पीछे भागा, तो मैंने लूट कर रहा था, मेरा टीममेट ने कॉल देता कि इधर आ जाए, इधर दो बंदा है, मतलब यहाँ पर दो स्क्वाड को फाइट कर रहा था, मैंने बोला वेट कर मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक को थोड़ा बहुत डैमेज दिया और उसने घुस गया, तो गाइस उसने घुस के साथ साथ उसको नॉक कर दिया, लेकिन मैं पीछे जाके उसको जो है फोड़ के एकदम खत्म ही कर दिया। तो गाइस यहाँ पर 2 किल हो गया, तो मैंने बोला कि भाई और रश मत कर, अभी थोड़ा सेफ खेलते, क्योंकि देखो अगर माइनस लग जाएगा तो भाई इसको फटाफट रिवाइव देके यहाँ पर जितना मतलब जोन आ गया फिर भी मैं लूट रहा था, क्योंकि 2 किल हो गया था और इतना मैं किल के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं प्लास के लिए खेल रहा हूँ। तो गाइस अगर किल भी हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं इतना किल के लिए आगे नहीं जाऊँगा, आगे जाके नहीं मरूंगा। तो गाइस यहाँ पर जो जितना भी सारा किल मतलब लूट है मतलब फटाफट से मैंने लूट लिया और लूट के यहाँ से भाग गया। और अभी जोन के पीछे पीछे आया तो इधर देखा कि एक बंदा रिवाइव दिया, तो गाइस यहाँ पर 2 बंदा जो गाड़ी लेके जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक बंदे को भी नहीं मार पाया, तो मैं यहाँ पर 2 किल किया था और केकरा इधर 2 किल किया था। तो इधर एक कार्नेटेड जेट मिला, तो मैंने सोचा कि कार्नेटेड जेट थोड़ा उठा लेता और चलाता हूँ। तो गाइस कार्नेटेड जेट बहुत ही काम देता है डुओ में भी और स्क्वाड में भी। तो देखो यार यहाँ पर एक मेरा मतलब ये वाला बंदा मेरा घुस जाता है भाई, और यहाँ पर देखो ऊपर में एक बंदा ग्लाइडिंग करके उतर ही रहा था, तो इसको सिर्फ 1 ही डैमेज दिया। तो गाइस वो भी फेक डैमेज था, उस पर दिखाया था लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया था। तो गाइस मैंने इसको बोला थोड़ा होल्ड कर, नहीं यार इसने तो होल्ड नहीं कर पाया और देखो गाइस मर गया। मैंने मतलब ऑलमोस्ट उसको बचा ही लेता, लेकिन गाइस यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि गाड़ी थोड़ा मेरा ढीला था, इसलिए मैं वो मर गया। तो मरने के साथ साथ मैंने ये बार रिवाइव देता आता, तो वो वाला बंदा जो लैंड करके आया था वो यहाँ पर लूट रहा, तो मैंने रिक्स नहीं लिया, मैंने सोचा कि वो उसको जाने देते फिर रिवाइव दूंगा, तो उसको जाने दिया मैंने, फिर उसको रिवाइव दिया। और रिवाइव देने के बाद मतलब ये बंदा जब भी आता है ना मरता है। और गाइस ये बंदा देखो बंदे को सही चांस मौका मिलते मैं मारूंगा, और सही मौका देखा और मर गया, क्योंकि इसके पास वेस्ट भी नहीं था हेल्थ भी नहीं था, क्योंकि जोन में डैमेज भी थोड़ा था और मैं पहले डैमेज दिया था, और मेडिका मतलब अभी मेडिका बहुत ही संकट चल रहा है। और गाइस ईयरफोन पहनने का यही सुविधा होता है कि देखो यार मेरे सेट बंदा था तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरे कान पे ईयरफोन था और इस बंदे को पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। और देखो गाइस ये सामने आया और गाइस एकदम M10 से फोड़ दिया, छः के छः गोली उसको छाती पे चढ़ा दिया। और गाइस इसको खत्म कर दिया, पर खत्म करने के साथ साथ मेरा 5 किल हो गया। और गाइस इसको खत्म करने के साथ ही साथ इसका जो टीममेट शायद जो है मेरे पीछे से आ गया, तो मैंने रिक्स नहीं लिया और मैंने भाग गया, क्योंकि मेरा ये वाला बंदा कभी भी मर सकता है, ये खेलता है अच्छा लेकिन कभी भी मर सकता है। तो गाइस इधर मैं आया और देखा मेरे सामने एक बंदा है, ये जो उसके साथ फटका रहा, तो उसको मैंने एक शॉट मारा और दूसरे शॉट में नॉक भी कर दिया, लेकिन गाइस उसका जो टीममेट है उसको बचा लिया, क्योंकि मेरे पास 2 कार्नेटेड जेट नहीं था तो मैंने फटाफट नहीं मार पाया। और इस बंदे को पता नहीं था कि उसके सामने उसका मौत इंतजार कर रहा भाई, इसको तो यहाँ पर खत्म कर दिया। और मेरा बंदे को मैंने क्यों बोला देखो यार ये, और भाई सामने आकर और भी नॉक हो गया, मतलब क्या ही सस्ता नशा करता है, इसको फीड में रिक्स लेके जो है रिवाइव देने गया। तो गाइस मैंने यहाँ पर फिर से रिवाइव दिया, क्योंकि देखो यार मतलब आसानी होगा अगर एक टीममेट होगा तो गाइस, और यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा बंदा है, तो मैं मतलब चारों तरफ से फंस गया। और गए देखो ये बंदा और आ गया और मर गया, मतलब इसको ऐसे ही नशा है गाइस, इसको रिवाइव देने मेरा भूलता यार, मैं चारों तरफ से फंस गया। और गाइस मैं अगर ब्लू वॉल खरीदता ना वो भी काम पे आ जाता, लेकिन भाई ये कोई काम पे नहीं आता। और गाइस यहाँ पर मेरा पास स्काइलर था, मैंने सोचा कि स्काइलर मार के थोड़ा इसको मतलब पेल लूँ, लेकिन यार कहाँ मरता है बंदा, मरता ही नहीं भाई, इतना डैमेज देता हूँ इतना सब कुछ करता हूँ लेकिन बंदा मरता नहीं है। और गाइस अभी देखो गाइस इस बंदे को मैंने डैमेज दिया और इस बंदे ने जाके उसको पेल दिया भाई, और यहाँ पर 2 vs 1 हो सिचुएशन यार, और मेरे पास मतलब कोई लॉन्ग रेंज का गन ही नहीं है। और देखो गाइस M10 ना मतलब सही टाइम पे काम ही नहीं देता यार, देखो यार तुम लोग देखो अच्छे से देखना, यहाँ पर एक बंदा आया मैंने मतलब हेड लेने की कोशिश की, डिफॉल्ट उसके जाके लग रहा है साला भाई, मतलब ये ग्रेनेड पे ग्रेनेड मार रहा है भाई, कहाँ मार रहा है। और गाइस एक बार अगर रिलोड में पकड़ गया ना भाई, रिलोड करते करते मेरा जान निकल जाता। और गाइस ये वाला बंदा देखो भाई क्या ही लास्ट में जो मुझे मार ही दिया गाइस, तो यहाँ पर बुआ नहीं हो पाया लेकिन अच्छा खासा प्लस कर पाया मैं।